गरीबों आवासहीनों को स्थायी पक्का आवास देने के लिए बनाई गई पीएम नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की जद में आ गई है। मध्य प्रदेश के सतना में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। यहां पर गरीबों को मिलने वाला आवास रसूखदारों और पूर्व पार्षदों तक ही को ही आवंटित कर दिया गया। इन घरों के आवंटन में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक किराएदार पर हमला हो गया। अब नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी लीपापोती करने में जुट गए हैं। घरों में एसी, नीचे कार खड़ी है। आप कहेंगे ये कौन सी खबर है? खबर ये है कि इन घरों में रहने वाले लोगों की सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए थी, यानी महीने के 25,000 से 50,000 के बीच। किसी घर में बुटीक है तो कहीं से दवा की दुकान भी चल रही है। कुछ घरों में बीजेपी के झंडे लटके हैं। पार्टी के पूर्व पार्षद के भाई को भी घर मिला है, हालांकि वो कहते हैं ये सब नियमों के दायरे में है। नियम विरुद्ध कुछ नहीं है, जिनके नाम से भी आवंटन है स्वाभाविक है, वो मेरी समाज के हैं और समाज के हैं जो मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उन्होंने किस्त में अपना मकान लिया हुआ है और उसमें अगर वो दो रोटी व्यवसाय कर रहे हैं कोई थोड़ा बहुत, तो कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वो क्या नाम से अवैध है, तो अवैध नहीं है, वो पूर्णतः नियमानुसार है। और चूँकि पूरी इंडिया में उनके आधार कार्ड हैं, पूरे जाँच और उनका शपथ पत्र लगा हुआ है, बिना शपथ पत्र के कोई भी मकान आवंटित नहीं होता प्रधानमंत्री आवास में। सतना शहर के 45 नंबर वार्ड में रहने वाले आवासहीनों के लिए उतैली और कृपालपुर में कुल 2,712 आवासों का निर्माण 188 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। आरोप है कि नगर निगम ने पूर्व पार्षद, उनके नजदीकी रिश्तेदार के साथ ही कई कारोबारियों को भी आवास दे दिए। आपको आवास का आवंटन हुआ है आपको यहाँ? जी सर, अभी नहीं हुआ। फोर व्हीलर है, सबके पास बसें हैं, ट्रक है, उनके लिए है। आप जो ठेला ढंगा रहे उनके लिए कुछ भी नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके आवेदन कई महीने पहले लगे थे लेकिन घर नहीं मिला। मंटू गुप्ता ठेला लगाकर रोजी कमाते हैं, सालों पहले आवेदन भरा था, घर नहीं मिल पाया। बोले अभी आपके लिए खाली ही नहीं है कुछ, अभी घर है ही नहीं, बचे ही नहीं, बचे ही नहीं है। यहाँ लोगों को एक एक महीने के अंदर घर अलर्ट हुए हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग गरीब हैं, पैसा नहीं है हम लोगों के पास देने के लिए। तो हम लोगों को बोला जाता है कि अभी जो अगले फार्म भरे हुए हैं उनका नंबर आएगा कि आपका आएगा। प्रशासन का कहना है जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। चूंकि ये शिकायत प्राप्त हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसको आवंटित हुआ हो उसके अलावा कोई अगर कब्जेदार है या उसका उपयोग कोई परिवर्तन कर रहा है तो इसकी विस्तृत जांच कराएंगे और अगर कोई स्थिति आती है तो आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ। वैसे ये वायदा 2 साल पहले भी हुआ था। सतना वो जिला है जहां 2022 में धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाने का दावा किया गया था। उस वक्त भी हमारी तफ्तीश में पता लगा था कि कैसे रहिकवारा में कथित तौर पर भूतों को भी आवास मिल गया। 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं, यहां 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। ऐसा नहीं होता तो 2016 में जिस लालमणि चौधरी की मौत हो गई थी उनके नाम पर 2021-22 में आवास कैसे स्वीकृत हो जाता? घर भी बना, पैसे भी निकले, ये और बात है कि उनकी बेवा दिव्यांग बेटा कच्चे घर में ही रहते हैं और उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, पैसा कोई और ले उड़ा। यही सुंदी बाई को भी कागजों में आवास मिला, शौचालय, राशन, सब कुछ। बस इनकी झोपड़ी में घुसने पर आपको सरकारी वायदों और हकीकत के बीच सब कुछ दिख जाता है। मुन्नी बाई ने तो कागजों में अपने घर के हर चरण में तस्वीरें खिंचवा ली, 4 किश्त भी मिल गई, लेकिन हकीकत में उन्हें भी कुछ नहीं मिला। जांच हुई भी लेकिन हुआ क्या, यह भूतों से कैसे पूछे। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।